Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 195 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 461 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 2774 पर। दो डेथ शामिल हैं आज के इस बुलेटिन। कर्नाटक की अगर बात करें तो पहली बार बहुत दिनों के बाद 10,000 के नीचे आंकड़ा आ चुका है कोविड 19 के एक्टिव केसेस का, जिसमें हम बात करते हैं 8,425 करीब केसेस हुए हैं आज कर्नाटक भर में। उसके बाद हम बात करते हैं एक अफसोस भरी खबर, जहां पर हम बात कर रहे हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द क्वीन, द मेलोडियस क्वीन लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 इयर्स के वो थे और वो पिछले कई दिनों से अपने हेल्थ को लेकर बैटल कर रहे थे, लेकिन अफसोस भरी बात ये रही कि सुबह सुबह उनकी खबर आ चुकी है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। चलते हुए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, मिनिस्टर्स, कई सारे लोगों ने उनको आखिरी श्रद्धांजलि भी दी और उनके आखिरी दीदार भी किया। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल लेवल की, जहां पर अंडर 19 वर्ल्ड कप की मुबारकबाद देना चाहेंगे हम इंडिया को। जी हां, इंडिया ने फिर से एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है अंडर 19 का। उन्होंने इंग्लैंड को हराया है 4 विकेट से फाइनल में। इसको मिलाकर टोटल 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2000 में, 2008, 2012, 2018 और ये 2022। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का बड़ा बयान आते हुए, जहां पर किस तरह से उडुपी के अंदर हिजाब को लेकर जो बैन किया जा रहा है, जिस तरह से बच्चों को तकलीफ दी जा रही है, उस पर देखते हैं कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का क्या कहना है। रियासत कर्नाटक में जो हिजाब का इशू इस वक्त चल रहा है, ये कम्प्लीटली नॉनसेंस है। पूरी तरीके से इसको पॉलिटिकल रो बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये जो सैफ्रन शॉल की बात कर रहे हैं, वो ना तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म है, ना वो उससे किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम है। खामखा इसको एक इशू बनाया जा रहा है। हिजाब जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम है, प्रैक्टिसिंग है, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है। इसके लिए केरला के कई सारे जजमेंट्स, केरला हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके जजमेंट्स हुए हैं और इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। एक हिंदुस्तान के आइन का जो है एक अहम हिस्सा है। इसको छेड़खानी करके जो है एक बदमाशी की जा रही है, कर्नाटका के माहौल को जो है यूपी बिहार की तरह बनाने की या फिर पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से हम सख्त मजम्मत करते हैं। हमारा फोरम इसकी पुरजोर मजम्मत करता है और इसके खिलाफ आने वाले दिनों में हम लोग एहतजाज करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हाईकोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले इस मामले का और फौरी तौर पर ये जो गैर आइनी फैसला लिया गया है कर्नाटक हुकूमत की जानिब से उसको रद्द करे। उसके साथ साथ हम बात करते हैं गोहैश एक्सक्लूसिव स्टूडियो के अंदर। आज हमने मुलाकात की एक लाइव डिस्कशन, जहां पर सईदा सादिया जी यहां पर मौजूद थे, जो कि SDPI के कर्नाटक स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ अलीम इलाही जो कि गुलबर्गा के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ इस मुद्दे पर काफ़ी बड़ी बात हुई, हिजाब स्कार्फ जो मामला है उस पर क्या मामला है, और इस एक लंबा सा हमने वीडियो बनाया है डिस्कशन का, वो आप जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके शॉर्ट हाइलाइट्स हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी बच्चियां कुछ एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म में एडिशन नहीं कर रही हैं, और जहां तक कि इसको कॉन्ट्रोवर्सी कहा जा रहा है कि इट्स अ कॉन्ट्रोवर्सी ऑन हिजाब, तो मैं यहाँ कंडम करना चाहूंगी कि देयर इज नो कॉन्ट्रोवर्सी ऑन हिजाब, बिकॉज इट्स अ कॉमन लॉजिक कि जब स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं तो दे विल डेफिनेटली फॉलो द कोड ऑफ यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्म में ही बैठती हैं। इसके अलावा वो किसी तरह का अगर हिजाब लगाती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि क्लास में एंटर होने से पहले या कॉलेज में एंटर होने से पहले वो रिमूव कर देती हैं। तो बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि इट्स नॉट अ कॉन्ट्रोवर्सी ऑन हिजाब। यहाँ पर हिजाब और स्कार्फ का मसला नहीं है, यहाँ पर ये लोग इसलिए इस चीज को उठाए हैं, इस इशू को। देखिए, इस इशू को उठाने का मकसद यही था कि इस पूरे स्टेट के अंदर मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन से दूर किया जाए। अच्छा। उनको एजुकेशन से टोटली दूर किया जाए, उनको टारगेट करने का मकसद यही था। सोचिए, जो लड़कियां जो आराम से सभी के साथ घुल मिलकर अब तक पढ़ाई पढ़ती रही, कई IAS IPS ऑफिसर्स बनी, कई बड़े बड़े पोस्ट पर मुस्लिम लड़कियां चले गई,
कई जगह पर आगे बढ़ गई, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम लड़कियां इन जो नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ सब मिलकर जो जो बहन भाई की तरह जिस तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्कूल्स का जो माहौल है उस माहौल को ये लोग खराब कर रहे हैं। जेडीएस यूथ लीडर सिराज शाब्दी ने सभी लोगों को बताया है कि सराज से उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हिजाब का इशू चल रहा है और एक प्रोटेस्ट के लिए सब लोगों को उन्हें इनवाइट किया है। 8 फरवरी को एक प्रोटेस्ट है मिनी विधानसभा के पास 11 बजे सुबह, जगह सर्कल से लेकर विधानसभा तक ये प्रोटेस्ट जाएगी, जहाँ पर फंडामेंटल राइट जो होते हैं माइनॉरिटी मुस्लिम गर्ल्स के वो उसे वायलेट करने पर ही प्रोटेस्ट की जा रही है। स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है, हर वो सेक्युलर जहन रखने वालों का फर्ज बनता है कि इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें। एक प्रोटेस्ट रखे हैं जो आने वाले मंगल के दिन 8 तारीख को सुबह 11 बजे जगत सर्कल से विधानसभा तक जाएंगे। केस को हम एच डी कुमार स्वामी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लेकर आएंगे और असेंबली में इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। उलमा इकरामों से मैं गुजारिश करता हूं कि आज वक्त है आप लोगों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स अगर पढ़े लिखे रहते ये कॉलेज स्कूल के स्टाफ पढ़े लिखे रहते तो दे शुड नो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 में दिस इज क्लियरली मेंशन इन सेक्शन 14। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सारे हिंदुस्तान के रिलीजन्स को देख के लिखा गया। सो है टीचर्स है जो फैकल्टीज थे जिसमें हमारे रविन्द्रनाथ टैगर है, विवेकानंद साहब है, स्वामी विवेकानंद साहब है, ये लोग भी इसके ऊपर। कर्नाटका इज ए लैंड ऑफ सेक्युलर कन्नडिगास एंड बींग ए सेक्युलर कन्नडिगा फ्रॉम जनता दल हम इसको कंडम करते रहेंगे और हमेशा स्टैंड लेंगे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पेशकश गुलबर्गा एकेडमी, जहां पर आज TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट टीचर्स ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक ग्रैंड इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कई सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज एजुकेशनिस्ट यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे KS ऑफिसर्स। ये सारा मामला चला अंडर द विजन ऑफ इंजीनियर अफजाल महमूद जो कि प्रेसिडेंट है महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के। याद रखिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं मंडे 7 फरवरी से शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। स्क्रीन पर नंबर को कॉल करें ताकि आप ये सारे डिटेल्स मालूम कर सकें। बेंगलुरु के विजयनगर में जाकर देखिए, आप बीजापुर में जाकर देखिए, हुबली धारवाड़ में जाकर देखिए, कई सारे बच्चे एक छोटे से कमरे में कुर्सी एक स्टडी टेबल एक स्टडी चेयर लेकर बैठ जाते हैं पढ़ लेते हैं। ये जो मानव दर है इसका हिसाब किताब रखा जा सकता है और ये जब खर्च होता है तो कम हो जाता है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिस जो लामहदूद है, इसका हिसाब किताब नहीं रखा सकता। इट कैन नॉट बी अकाउंटेड और आप इसको जितना खर्च करेंगे उतना ज्यादा होते जाता है। आज यहाँ पर जो TET गवर्नमेंट टीचर कोचिंग रखा गया हुआ है गुलशरत फाल स्कूल में जो कि गुलबर्गा में है GDL और एरिया में, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है BEd स्टूडेंट के लिए, खास तौर पे BEd और DEd स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन फैकल्टीज जो दे रहे हैं यहाँ पर TET कोचिंग में, तो उनसे क्या है हम लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं BEd स्टूडेंट्स खास तौर पे किस गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरह की स्टडीज़ करना चाहिए। आज गुलशन अतफाल स्कूल में महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुलबर्गा एकेडमी TET एग्जामिनेशंस के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए और दीगर जो भी एग्जामिनेशंस खास करके ग्रुप सी के होते हैं FDA, SDA, SSC एग्जामिनेशंस, ये तमाम तरह एग्जामिनेशंस के बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट कायम करने का जो इरादा किया था उसका इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।